अच्छा सर, ऑनलाइन हो जाए आप, ठीक है, और जो क्वेश्चन वगैरह हो उनके फिर जवाब दे दीजिएगा। ये दरवाजा फुल बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। दिस इज योर फिजिक्स टीचर सर तौकीर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस को पढ़ा, फिर उसकी टाइप्स को स्टडी किया, उसके बाद जो है वो हमने स्ट्रेन को देखा, उसको पढ़ा और उसकी टाइप्स को स्टडी किया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन से ही मतलब है। दैट्स व्हाई मैंने जो लास्ट दो लेक्चर्स गुजरे हैं उसमें आपको स्ट्रेन और स्ट्रेस को डिटेल से बताया, ताकि जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो बखूबी आपकी समझ में आ सके। ठीक है जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस किसे कहते हैं बच्चों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस कहते हैं जी दो चीजों का मुआजना करना, दो चीजों को कंपेयर करना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी इलास्टिसिटी की मॉडुलस को स्टडी करनी, यानी जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, वो दरअसल दो चीजों का ही कंबिनेशन होती है, दो चीजों का प्रोपोर्शनल होती है। किस किस का? एक स्ट्रेस होता है, और जब किसी भी सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उसके रिजल्ट के तौर पे उसमें कोई ना कोई चेंज आता है, और उस चेंज को हम जो है वो स्ट्रेन का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों भी बात समझ कोई नहीं आई होगी, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, जब हम जो है, जब आप अपने दोस्त को कोई थप्पड़ मारते हैं या आपको आपका कोई दोस्त थप्पड़ मारता है, ठीक है, पहले आप जो है वो लेट्स कंसीडर के हंसी खुशी जो है वो वक्त गुजार रहे हैं, अचानक आपका दोस्त आके आपको थप्पड़ मारता है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी जो फीलिंग्स हैं आप एकदम से जो हाइपर हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? दरअसल उसकी वजह वो थप्पड़ है जो आपके दोस्त ने आपको लगाया, ठीक है, क्यों वो थप्पड़ है जो, उसको हम स्ट्रेस की फॉर्म में लेंगे। तो जब किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है, यानी जब आपके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होगा आपके दोस्त की तरफ से, आपको थप्पड़ लगेगा, आपको दर्द होगा, तो फिर आपकी फीलिंग्स में जो है वो तब्दीली आएगी। ये जो फीलिंग्स में तब्दीली आना होती है, एकदम से हाइपर होना होता है, दिस इज नाउन एज स्ट्रेन, ठीक है। सेम केस जो है ना वो सॉलिड के लिए अप्लाई होता है, कि जब हम सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके जिमरे में क्या आता है, उसके जिमरे में एक चेंज आता है जिसको हम जो है वो स्ट्रेन का नाम देते हैं। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करता है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लगेगा किसी भी सॉलिड के ऊपर, उतना ही ज्यादा चेंज प्रोड्यूस होगा। मतलब जितना आपको जो है वो थप्पड़ जोर से लगाया जाएगा, उतने ही गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, यानी गुस्से में जो वेरिएशन है उतनी ही ज्यादा आएगी। सेम जो है वो केस सॉलिड्स के साथ है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, के स्ट्रेस को ऊपर रखें, स्ट्रेन को नीचे रखें, जो इनकी रेशियो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना स्ट्रेस किसी जो है वो चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं, उतनी ही उसमें तब्दीली आती है, उतनी ही उसकी स्ट्रेन चेंज होती है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों फार्मूला इसका देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल होता है, हमने कहा ना कि जो रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, उसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, स्ट्रेस को ऊपर रखें न्यूमिरेटर में और स्ट्रेन को डिनोमिनेटर में रख दें, तो इसको कह देंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बच्चों आपको यूनिट्स का भी पता लग गया होगा, यूनिट्स हैं द एसआई यूनिट्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? देखे स्ट्रेस का यूनिट हमने पढ़ा था, स्ट्रेस इज लाइक अ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सेम इसी तरह स्ट्रेस का भी यूनिट होता है, स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और साथ जो डिनोमिनेटर में एरिया होता है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जब मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्ट्रेस की जगह पे तो हम लिख देंगे ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेन की जगह पे क्या लिखेंगे? स्ट्रेन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन के हर फार्मूले में तीन टाइप्स पड़ी, तीन तरह के फार्मूलाज को हमने डिस्कस किया। तो इसके तीनों फार्मूलाज में अगर ऊपर चेंज इन लेंथ आता है ना, तो नीचे ओरिजिनल लेंथ आता है।
अगर ऊपर चेंज इन वॉल्यूम आता है तो नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम आता है, अगर ऊपर जो है चेंज इन शेप आता है तो नीचे ओरिजिनल शेप आता है। तो हर जो है वो फॉर्मूले के की बेस पे क्या होता है कि जो हमारे पास से यूनिट होती है वो कैंसिल हो जाती है, दैट्स व्हाई स्ट्रेन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। और जो स्ट्रेस के यूनिट होंगे वही हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मूव करते हैं। जी यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स? जी हमारे पास जो है वो आगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस की तीन टाइप्स होती हैं बच्चों। पहला है यंग्स मॉडुलस, सेकंड इज बल्क मॉडुलस एंड थर्ड इज शियर मॉडुलस। ये तीनों जो है ना यंग्स तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। बल्क फॉर्म में शियर आपको बताया था कि शेप के लिए वर्ड यूज होता है। यंग्स मॉडुलस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड थर्ड इज ए शियर मॉडुलस। तो सबसे पहले जो है ना वो हम देख लेते हैं यंग्स मॉडुलस को। बच्चों यंग्स मॉडुलस क्या होता है, देखिए हमने टेंसाइल स्ट्रेस को पढ़ा। टेंसाइल वर्ड यूज होता है ना लेंथ के लिए, के टेंसाइल स्ट्रेस होता है कि किसी भी जो है ना वो सॉलिड के ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो जो उसकी लेंथ में वेरिएशन आती है, ठीक है। तो लेंथ में जो वेरिएशन जो स्ट्रेस लेके आता है उसको जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस कह देते हैं। इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, जब टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो उसके रिजल्ट में जो चेंज आता है उसकी लेंथ में उसको टेंसाइल स्ट्रेन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस। सिंपल, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सिंपल जो है वो फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश किया ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि टेंसाइल स्ट्रेस को ऊपर रखें न्यूमिरेटर में, टेंसाइल स्ट्रेन को नीचे रखें, इन दोनों की जो रेशियो होगी ना, ठीक है, उसको कह देंगे यंग्स मॉडुलस। देखिए हम जो है वो इस पूरी कायनात में जब भी कोई काम करते हैं तो हमें कोई भी इनपुट देते हैं तो हमें उसके बरक्स जो है वो उसके रिजल्ट में आउटपुट कोई ना कोई चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर किसी सॉलिड की लेंथ को चेंज करने के लिए स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो हमने देखना तो है ना कि उसमें वेरिएशन कितनी आती है। तो बेसिकली जितना स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है टेंसाइल के केस में लेंथ को वेरी करने के लिए, उसके जिम्मे में जितना चेंज आता है यानी स्ट्रेन की फॉर्म में, उसको हम यंग्स मॉडुलस कह देते हैं। इसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स वाई, कैपिटल वाई इज द सिंबल ऑफ यंग्स मॉडुलस। एंड फॉर्मूला इसका है जी वाई इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस को न्यूमिरेटर में रखना है, उसको डिवाइड करा देना है आपने टेंसाइल स्ट्रेन के साथ। तो ये जो रेशियो होगी ये आपको यंग्स मॉडुलस की फॉर्म बना देगी, ठीक है। इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला ऊपर जो है वो पुट करें, एफ ओवर ए लिखा हुआ है, ओवर मेन फ्रैक्शन, उसके बाद जो है वो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ आपने लिखा टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पे। अब जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है। अकॉर्डिंग टू जो है ना वो मैथ्स रूल क्या होगा कि लेंथ जो है ना वो ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे एक जो है मिस्टेक हो गया, एफ इंटू एल ओवर ए इंटू डेल एल आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार करके चेक कर लीजिएगा, मुश्किल बात नहीं है। The SI unit of Young's modulus is newton per meter square. क्यों? क्योंकि यहाँ भी stress, tensile stress के units आएंगे। जो नीचे tensile strain होगा, हमें तो पता है कि जो है वो strain is unitless quantity। वहाँ पे तो हमारे पास unit कोई आने ही कोई नहीं है, ठीक है। तो stress की जो unit होगी newton per meter square, वही same unit होगी यहाँ पे Young's modulus की। Students next चलते हैं हम bulk modulus की तरफ। तो अब आपको यंग्स मॉडुलस पढ़ के इतना अंदाजा हो गया होना है कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेन के साथ डिवाइड करवा दें, इनकी रेशियो ले लें, तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो यंग्स मॉडुलस का बनता है। आगे है जी बच्चों बल्क मॉडुलस। तो बल्क जो ही वर्ड आप सुने तो आपके जहन में आ जाना चाहिए, हाँ यार सेकेंड में हमने जो टाइप पढ़ी थी स्ट्रेस की वो थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और सेम इसी तरह जो सेकेंड पे हमने स्ट्रेन की सेकेंड टाइप पढ़ी थी वो थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सिंपल आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ डिवाइड करवाते हैं, इनकी रेशियो लेते हैं, तो ये आपको फॉर्म दे देगी बल्क मॉडुलस की। द रेशियो बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। मुश्किल बात तो नहीं है मेरे ख्याल से, सिर्फ आपने जो है वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन की तीनों टाइप्स पढ़ी उनको डिवाइड करवाते जाना है। यहाँ बल्क हो जाएगा यंग्स का ना टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन, यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा बल्क, ठीक है। बल्क कहते हैं ना जो वो चीज जो ज्यादा क्वांटिटी की फॉर्म में हो, वॉल्यूम की फॉर्म में, ज्यादा वॉल्यूम की फॉर्म में हो, ठीक है। तो
तो द रेशियो बिटवीन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, इसको हम बल्क मॉडुलस का नाम देंगे। यंग्स मॉडुलस के केस में हमने जो है वो उसको सिंबल दिया था कैपिटल वाई का, लेकिन जो बल्क मॉडुलस है स्टूडेंट, इसका सिंबल आपने याद रखना है के, इसका सिंबल है ठीक है, कैपिटल के इज द सिंबल ऑफ बल्क मॉडुलस। सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला मैंने लिखा है के कैपिटल के इक्वल है स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर आप जो है वो सिंपल फॉर्म में, इजी वे में फॉर्मूलास को याद रखना चाहते हैं तो आप सिंपल लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। न्यूमरेटर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगा और डिनोमिनेटर में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। इसी तरह सेम फार्मूला स्ट्रेस का, तो हमारे पास थ्रू आउट थ्री टाइम्स जो है वो सेम फार्मूला था एफ ओवर ए, तो स्ट्रेस की जगह भी हमने लिख दिया एफ ओवर ए ओवर मेन फ्रैक्शन के बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमने पढ़ा था कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम डेल, भी डेल यूज होता है ना चेंज के लिए, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। सिर्फ फॉर्मूलास को पुट करना है जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के लिए हमने लिखा था। तो जो कैपिटल के है वो इक्वल हो जाएगा एफ इंटू वी, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, एफ इंटू वी हो जाएगा ओवर ए इंटू डेल वी हो जाएगा। आप इसको करके चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसके जो यूनिट्स होंगे, द एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थ्रू आउट मॉडुलस की भी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी जितनी भी हमने टाइप्स पढ़नी है ना, सब में सेम यूनिट अप्लाई होना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वो भी हमें मिलना है किस तरफ से, स्ट्रेस की तरफ से मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन तो जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थर्ड टाइप एंड लास्ट टाइप ऑफ मॉडुलस। जी स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स मॉडुलस की शियर मॉडुलस। अब आपको पता लग गया है कि यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। एंड इन सेकंड हमने पढ़ा जो है वो बल्क मॉडुलस को, एंड बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बस जो है वो स्ट्रेस की भी और स्ट्रेन की भी तीसरी टाइप रह गई है, तीसरा फार्मूला रह गया। तो जो थर्ड फार्मूला दोनों का, उसकी रेशियो ले ले, वो आपको शियर मॉडुलस दे देगी। क्यों? शियर मॉडुलस, इट इज द रेशियो बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन, सिंपल फॉर्म में इज कॉल्ड शियर मॉडुलस। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं कि जो रेशियो होती है शियर स्ट्रेस, शियर का पढ़ा था ना कि शेप को चेंज करने वाला जो स्ट्रेस होता है उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं, और जितनी शेप में किसी भी सॉलिड या किसी भी रिजिड बॉडी की शेप में तब्दीली आती है, वो जो तब्दीली होती है वो चेंज होता है, चेंज की फॉर्म होती है, उसको हम जो है वो स्ट्रेन के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, द रेशियो बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड शियर मॉडुलस, ठीक है। सिंबल इसका होगा स्टूडेंट्स कैपिटल जी। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, यंग्स मॉडुलस का कैपिटल वाई, बल्क मॉडुलस का कैपिटल के, एंड शियर मॉडुलस का कैपिटल जी। फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग गया होना है, शियर मॉडुलस इक्वल होता है शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है। कि जब हम किसी बॉडी पे कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जितना उसकी शेप में चेंज आती है, उन दोनों का जो, उन दोनों की रेशियो होती है, उसको हम शियर मॉडुलस का नाम देते हैं। सेम वही बात, यूनिट मैंने आपको पहले बताया कि तीनों के सेम होंगे, यूनिट होगा दी एस आई यूनिट ऑफ शियर मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये थी जी थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपकी तरफ से आउटपुट का इंतजार है जी, बताइए वाई साइड से स्टूडेंट्स समझ आ गई है इस टॉपिक की आपको? अगर समझ आ गई है तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो चलेंगे, आपकी तरफ से रिप्लाईज आने चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे ऑनलाइन। जी गर्ल साइड से समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको? जी स्टूडेंट्स ठीक है, फिर हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स ड्रा स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। सवाल आ सकता है ड्रा स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व फॉर
डक्टाइल मटेरियल। बच्चों जब कर्व की बात होती है ना, जहां भी सवाल में, सवाल को कोशिश किया करें समझने की, ठीक है। जब आप सवाल को समझ लेते हैं ना, तो सवाल को समझ के जवाब को लिखना बड़ा आसान हो जाता है। हम लोग अक्सर जो है वो जब तैयारी कर रहे होते हैं टेस्ट वगैरह की, पेपर वगैरह की, या जब नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं, तो टॉपिक के नाम को अच्छी तरह से समझते नहीं है। नीचे से हम सारा याद कर लेते हैं, जो डाटा लिखा होता है, जो फिगर्स बनाई गई होती है, जो फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, जो डेरिवेशन होती है, जो ग्राफिकल वर्क होता है, सारा कुछ आता होता है। टॉपिक का नाम हम ठीक तरह से नहीं पढ़ते या उसको समझने की कोशिश नहीं करते, तो फिर हम जब पेपर में बैठते हैं जो है वो पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो हमें अक्सर चीजें भूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा होता। तो यहाँ पे टॉपिक है स्टूडेंट्स, ड्रा स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल्स। स्टूडेंट्स कर्व जो वर्ड है ना, समझने के ग्राफ के लिए यूज होता है। यहां हमने कोई ना कोई ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में जो लाइन आएगी वो कर्व होगी, यानी सवाल से हमें ये पता लग रहा है। आगे डक्टाइल मटेरियल्स, डक्टाइल वर्ड आपके सामने कहीं भी लिखा हुआ आपको नजर आए, या ब्रिटल जो है वो मटेरियल कहीं भी लिखा हुआ नजर आए, या पॉलीमर्स कहीं भी लिखा हुआ नजर आए, तो आपके माइंड में फौरन क्लिक कर जाना चाहिए यार, यहाँ ना कोई सॉलिड की बात होने जा रही है। यहाँ पे हम सॉलिड की बात जो है ना वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जो इन बिटवीन ब्रिटल मटेरियल्स एंड पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। आगे जब ग्राफ समझाऊंगा ना, तो डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वैसे एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं, ताकि आप जहन नशीन कर लें कि बात किसके बारे में होने जा रही है। बच्चों आपने एल्यूमिनियम देखा हुआ है, जो घर में जो लगते हैं डोर्स वगैरह, ठीक है, जिनमें जो है वो ग्लास को फिट किया जाता है, शीशे को, और जो विंडोज वगैरह बनती है उनके साइडों पे जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको हम एल्यूमिनियम कहते हैं। एंड सेकेंडली कॉपर मटेरियल से भी आप वाकिफ हैं कि जो मोटर्स होती हैं आपके घरों में, पानी वाली हो, कोई भी हो, आपके फैन की हो, कोई छोटी मोटर हो, ठीक है, कोई मशीन वगैरह में लगी हो, वॉशिंग मशीन में, ड्रायर मशीन में, किसी भी मशीन में जो मोटर होती है ना स्टूडेंट्स, उसकी जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर मटेरियल से की जाती है। और जो कॉपर मटेरियल होता है, इसका जो जनरल कलर होता है, स्टैंडर्ड कलर, वो गोल्डन कलर होता है, ठीक है, आपने गोल्डन कलर की तार देखी होगी। तो डक्टाइल मटेरियल अच्छे वाले मटेरियल होते हैं। आयरन जो है ना वो डक्टाइल मटेरियल्स में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। आयरन ब्रिटल मटेरियल्स में आता है, ठीक है, वो आगे जाके मैं डिटेल से बताता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसको देखते हैं जी। स्टार्टिंग से हमने लिखा है, पहला इसका पॉइंट है स्टूडेंट्स, अ मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ मेटल वायर। आपके पास लेट्स कंसीडर आपके पास एक तार है, मेटल की बनी हुई तार है, कोई कॉपर की तार ले ले, ठीक है, आपके पास कोई तार है, तो तार को आप तार की इलास्टिसिटी को देखना चाहते हैं, ठीक है, तार के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करना चाहते हैं और उसकी स्ट्रेन को देखना चाहते हैं कि यार जब हम इसको जो है वो इलोंगेट करेंगे, इलोंगेट का मतलब होता है खींचना, बड़ा करना, इसको हम खींचेंगे दोनों हाथों से, या हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन, वैसे तो जो वायर्स हैं उनकी इलास्टिसिटी वगैरह को, उनके स्ट्रेस टू स्ट्रेन ग्राफ को चेक करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसको डिजिटल मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन का नाम दिया जाता है। डिजिटल मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन, पहले जो है वो सिर्फ मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन आती थी वो एनालॉग होती थी, आजकल जो है ना वो अच्छी वाली आ रही है, उनको कहते हैं डिजिटल मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन। उसमें बेसिकली दो जार्स लगे होते हैं, दोनों जार्स के साथ तार को बांध दिया जाता है और जार्स को अलो किया जाता है कि वो एक दूसरे से अवे मूव करें। जब वो एक दूसरे से अवे मूव करते हैं तो तार वगैरह की लेंथ में इजाफा होना शुरू होता है, तो हम जो है वो स्ट्रेस को भी नोट कर रहे होते हैं डिजिटली, ठीक है, मीटर रीडिंग ले रहे होते हैं, और उसके जिमरे में, उसके आउटपुट में, उसके रिजल्ट में जो चेंजिंग आ रही होती है, उसकी स्ट्रेन बन रही होती है, उसको भी हम डिजिटली स्टडी कर रहे होते हैं। तो पहला पॉइंट है मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन इज यूज फॉर टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ मेटल, की हम एक मशीन यूज करते हैं जिसके दो जार्स होते हैं जो कि मेटल वायर को एलोंगेट करने के लिए यूज होती है, या फिर उनको जो है वो उसके ऊपर स्ट्रेस इनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करने के लिए यूज होती है, ठीक है। सेकंड बच्चों इसका जो है वो पॉइंट है, द मेटल वायर इंक्रीजेस लीनियरली बाय द फोर्स ऑन इट। जो दोनों जार्स होते हैं ना, जिस तरह आप छत के साथ कोई पॉइंट है उसके साथ आप एक रस्सी बांध देते हैं, एक रबड़ बांध देते हैं, उस रबड़ के साथ जब वो कोई नीचे मैस लटकाते हैं तो उस रबड़ की, वो जो रबड़ है जिसके साथ आपने एक मैस लटकाया है, उसकी लेंथ में जो इजाफा हो रहा होता है, ठीक है, वो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम लीनियर फोर्स की बात कर रहे हैं,
ऐसी फोर्स जो एट अ टाइम सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करती है, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करती है या फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करती है। इसलिए दूसरा पॉइंट लिखा है मेटल वायर इंक्रीजेस, मेटल की वायर जो है इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमने दोनों जॉर्ज के साथ तार को बांधा है ना मैकेनिकल जो है वो टेस्टिंग मशीन में, तो जब हम उसको एक दूसरे से अवे मूव करेंगे तो तार की लेंथ में इजाफा होगा बाय लीनियरली बाय द फोर्स ऑन इट। थर्ड स्टूडेंट्स इसका जो पॉइंट है वो है अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दोबारा बता रहा हूं, अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन, जाहिर सी बात है हमने दोनों जार्स के दरमियान जो तार को बांध है ठीक है हमने बाउंड की है, तो जब हम दोनों जार्स को खींचेंगे तो क्या होगा कि उसकी लेंथ में इजाफा होगा। स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और उसमें स्ट्रेन आ रहा है, तो हमारा जो टॉपिक है हमने स्ट्रेस को ही स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेन, या फिर इस तरह कह ले स्ट्रेन को देखना है, चेंज को देखना है विद रिस्पेक्ट टू दी स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इन द इनिशियल स्टेज कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन देन हुक्स लॉ इज होल्ड। दोबारा बता रहा हूं, इन द इनिशियल स्टेज शुरू में जब मशीन के दोनों जार्स एक दूसरे से अवे जा रहे होंगे, तार उनके दरमियान बांधी गई है, तार की लेंथ में इजाफा हो रहा है। क्यों इजाफा हो रहा है? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो फोर्स अप्लाई, फोर्स इज लाइक स्ट्रेस, यहाँ पे जो फोर्स है उसको हम लाइक स्ट्रेस कह देंगे, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको लाइक स्ट्रेस लेंगे। ठीक है, तो इन द इनिशियल स्टेज कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन देन हुक्स लॉ इज होल्ड। हुक्स लॉ को स्टूडेंट समझते हैं कि हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी इनके दरमियान अकर करती है, मतलब जितना ज्यादा आप स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रेन आएगी, जितना कम स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे उतनी कम चेंज आएगी। दोबारा बता रहा हूँ कि स्ट्रेस को बढ़ाते जाए तो स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है, और स्ट्रेस को कम करते जाए तो स्ट्रेन भी कम होती जाती है। दिस इज नाउन एज हुक्स लॉ, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट stress and strain both are directly proportional to each other at specific stage. ठीक है, या till specific stage, एक specific stage के ऊपर। तो यहाँ पे हम जब graph को पढ़ेंगे ना जो है वो देखेंगे, हम in detail भी इन बातों को study करेंगे। तो ये point है, in the initial stage curve is a straight line। शुरू में क्या होता है कि जितना ज्यादा आप जो है वो आप अपने जहन में ना एक प्रैक्टिकल लेके हैं, आपके पास एक बोरी है, उस बोरी में आपने क्या करना है, रुई को डालना है या कोई रबर फॉर्म में चीज है उसको आपने डालना है, या फोम फॉर्म में चीज है उस चीज को आपने बोरी के अंदर फिल करना है, भरना है बोरी को उस चीज से कि जिसकी इलास्टिसिटी होती है। तो इनिशियली आप सिर्फ बोरी में वो चीज डालते जाए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप हाथ के जरिए से ना वो जो चीज आपने उसके अंदर डाली है, चाहे फोम है चाहे रबड़ है कोई भी इलास्टिक मेटीरियल है, तो जो जो आप फोर्स लगाते जाएंगे तब तब क्या होगा, वो जो उसका वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, वो चीज नीचे की तरफ जो है ना वो मुंतकिल होती जाएगी। ठीक है, उनके दरमियान जो खला है वो कम होती जाएगी। इसी तरह एक लेवल आएगा जब आप फोर्स तो लगा रहे होंगे, फोर्स ज्यादा लगा रहे होंगे, लेकिन उसमें जो कमी है उसके वॉल्यूम में जो पहले की निस्बत कमी है वो कम आ रही होगी। ठीक है, तो हुक्स लॉ वहां तक होल्ड करता है जहां तक बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, इन द इनिशियल स्टेज कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन देन हुक्स लॉ इज होल्ड, के इनिशियल लेवल तक हुक्स लॉ होल्ड करता है, इनिशियल के बाद होल्ड नहीं करता। हुक्स लॉ वहां तक होल्ड करेगा जब जितना स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसके जिम्मे में उतना ही उसमें चेंज आ रहा है। तो लास्ट पॉइंट है जो है वो इस स्लाइड के ऊपर, व्हेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व रीच द पॉइंट ए देन इट्स कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ग्राफ की तरफ चलते हैं, ये है स्टूडेंट पॉइंट, आपको ग्राफ नजर आ रहा है जो है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ को बनाया गया। हमेशा जब भी ग्राफ को बनाया जाता है तो याद रखिएगा कि दो एटलीस्ट दो क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज का मुवाजना किया जा रहा होता है, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन किया जा रहा होता है, एक स्ट्रेन है एक स्ट्रेस है। तो अब यहाँ भी सवाल किया जा सकता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स एक्सिस पे किस क्वांटिटी को रखते हैं और वाई एक्सिस पे किस क्वांटिटी को रखते हैं। तो दोबारा बता रहा हूं, जहन नशीन कर लीजिए, जब भी जिंदगी में ग्राफ बनाए तो जो मेन क्वांटिटी होती है उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा जाता है। दोबारा बताने लगा हूं, जो मेन क्वांटिटी होती है उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा जाता है, जो है वो सेकेंड ऑप्शन होता है हमारे पास उसको एक्स एक्सिस पे रखा जाता है। मतलब आपको पता है कि स्ट्रेन ने तभी प्रोड्यूस होना है, चेंज किसी भी मटेरियल में तभी प्रोड्यूस होगा कि जब कोई ना कोई हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे,
स्ट्रेस जितना बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन उतना ही ज्यादा होगा, स्ट्रेस जितना कम करेंगे स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन इज सेकंड क्वांटिटी, द मेन क्वांटिटी व्हिच वी हैव इज स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको इसमें पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं, ग्राफ है शुरू से तो लीनियर है, ठीक है, ए पॉइंट तक, ए के बाद बी जो पॉइंट है वहां से कर्व शुरू हो गई है, ठीक है, फिर बी से आगे सी पॉइंट है, सी से आगे डी, सब पॉइंट्स को हमने डिटेल से पढ़ना है, पहले लास्ट जो है ना वो हम देख लें जो लिखा हुआ है इस स्लाइड के ऊपर। लास्ट पॉइंट है व्हेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व रीच द पॉइंट ए, जब वो जो कर्व है वो ए पॉइंट पे पहुंचती है, देन इट्स कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, तब इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कह देते हैं, ए के बाद की जो लिमिट है वो प्रोपोर्शनल नहीं होगी, उसमें स्ट्रेस तो ज्यादा अप्लाई हो रहा है लेकिन स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हो रही है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा इनटू पी, दोबारा बता रहा हूं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा इनटू पी, सिग्मा पी स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट, दोबारा बता रहा हूं, सिग्मा पी स्टैंड फॉर प्रोपोर्शनल लिमिट। आगे ग्राफ की तरफ स्टूडेंट्स मूव करते हैं कि ग्राफ क्या है, ग्राफ में क्या है, ग्राफ है बच्चों दो क्वांटिटीज के दरमियान, फर्स्ट वन इज स्ट्रेन व्हिच इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज अलोंग वाई एक्सिस एंड व्हिच इज स्ट्रेस। तो शुरू में जब आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो लीनियर हमें कर्व मिलती है, जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतना ही स्ट्रेन में चेंज आ रहा होता है, तो जहां तक ये लिमिट रहती है उसको आप क्या कहते हैं, उसको किस चीज का नाम देते हैं, ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन, इसको आप इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। दोबारा बता रहा हूं, जितनी स्ट्रेस अप्लाई करें उसके जिमरे में उतना ही अगर स्ट्रेन आ रहा हो तो ये हमारे पास दोनों क्वांटिटीज का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये जिस पॉइंट तक रहता है या दोनों क्वांटिटीज जिस जो है वो लिमिट तक एक दूसरे को प्रोपोर्शनल रहती है उस लिमिट को नाम दे देते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद जो है ना वो बॉडी में स्ट्रेस तो ज्यादा अप्लाई हो रहा है लेकिन उसमें जो तब्दीली है उसमें जो चेंजिंग है वो कम आ रही होती है। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट है वो बी पॉइंट है, उसको हमने तीर के निशान से लिखा भी एरो के साइन से कि दिस इज यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं ना, ब्रिटल मटेरियल्स लाइक एज ग्लास लाइक एज आयरन, ब्रिटल मटेरियल्स जो है ना वो सिर्फ यील्ड स्ट्रेंथ तक लाई कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जाते, ठीक है। इलास्टिसिटी ग्लास में भी होती है, इलास्टिसिटी आयरन में भी होती है, लेकिन ये थोड़े से नाकस मटेरियल हैं, ये यील्ड स्ट्रेंथ यानी पॉइंट बी तक पहुंचने के साथ ही टूट जाते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेस को ये अप्लाई होने नहीं देते या बियर नहीं कर सकते या टॉलरेट नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके बाद ये बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, ठीक है, या फैल जाएंगे या इनकी शेप वगैरह में लेंथ वगैरह में जो है क्या आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। लेकिन जिस जो है वो हमने खास स्पेसिफिक स्पेशल मटेरियल के लिए इस कर्व को बनाया एंड दैट मटेरियल इज नाउन एज डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल में एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद कॉपर आती है, ठीक है, कॉपर मटेरियल एल्यूमिनियम ये डक्टाइल मटेरियल है, क्यों, क्योंकि ये यील्ड स्ट्रेंथ तक भी स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद स्ट्रेस को अप्लाई करते जाएं, आप करते जाएं स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाएं, अब सी पॉइंट तक जाएं, सी पॉइंट इज नाउन एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इसको कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिमिट भी कहते हैं, USL भी कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिमिट, ठीक है, ये सी पॉइंट है, यानी आप एल्यूमिनियम और कॉपर के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते जाए टूटेंगे नहीं, ये जल्दी नहीं टूटते, ये डिफॉर्म हो आते हैं, अपनी शेप में वापस आ जाते हैं, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ था कि इनकी लिमिट जाती है, हालांकि जो ग्लास था या जो आयरन था वो यील्ड स्ट्रेंथ तक जाके टूट गया था, लेकिन एल्यूमिनियम और जो कॉपर होंगे वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करके सी पॉइंट तक भी जाएंगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचेंगे, तब जाके क्या करेंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, तब उनकी जो शेप होगी वो चेंज हो जाएगी और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में वापस कभी भी नहीं आ सकेंगे। आगे नेक्स्ट स्टूडेंट्स सी से लेकर डी तक जो पॉइंट है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल लिमिट, ठीक है, फ्रैक्शनल लिमिट, ये जो सी पॉइंट है ना हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसको कहा है, हमेशा याद रखिएगा इसको मैक्सिमम लिमिट भी कहते हैं, सिग्मा एम से जाहिर करते हैं इसको, सिग्मा एम से डिनोट करते हैं इसको, हम मैक्सिमम लिमिट के नाम से भी जानते हैं। आगे जो इससे अच्छे मटेरियल है यानी डक्टाइल से अच्छे जो सी से डी तक भी पहुंचते हैं तब जाके फ्रैक्चर होते हैं, जो डी पॉइंट है ना उसको आप कहेंगे फ्रैक्शनल लिमिट, फ्रैक्शनल लिमिट, ठीक है,
फ्रैक्शनल लिमिट क्या होती है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल से भी अच्छे होते हैं एंड दैट्स आर नाउन एज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो होते हैं वो डक्टाइल मटेरियल से भी अच्छे होते हैं और वो डी पॉइंट तक जाते हैं, स्ट्रेस को बीयर करते हैं, स्ट्रेस को टॉलरेट करते हैं, तब जाके जो है ना वो क्या हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना, तब जाके टूट जाते हैं। ये जो नीचे एक्स एक्सिस के लॉन्ग एरो के साइन के ऊपर लिखा है ना इलांगेशन, इलांगेशन का मतलब होता है लेंथ में इजाफा होना आफ्टर अप्लाइंग दी स्ट्रेस। ठीक है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है कर्व के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग के जो है वो कितना जो है वो इस टॉलरेट कर सकता है कोई मटीरियल। ठीक है, नेकिंग, नेकिंग का क्या मतलब होता है, नेक से वर्ड निकला है मुड़ना। ठीक है, यहां से सी पॉइंट से क्या होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मटेरियल्स होते हैं पॉलीमर्स वो जो है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। पॉलीमर्स का आप पूछ सकते हैं, सारे पॉलीमर्स की एक दो एग्जांपल बता दें तो स्टूडेंट्स जो नाइलॉन होता है ना, नाइलॉन एंड पॉलीथीन। नाइलॉन आप कहेंगे सर ये नाइलॉन क्या चीज है, बच्चों नाइलॉन जो सिल्क टाइप कपड़ा नहीं होता, सिल्क का कपड़ा, ठीक है, इसको नाइलॉन कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा पॉलीथीन जो शॉपर बैग्स होते हैं पॉलीथीन, ठीक है, वो भी जो है ना वो एग्जाम्पल है किसकी, पॉलीमर्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन को एक एक बार देख लेते हैं उसके बाद टॉपिक अपना कंप्लीट करते हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन टॉलरेट विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मैंने आपको पहले बताया था प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जितना एक चीज में इजाफा उतना ही दूसरी चीज में, जितनी एक चीज में कमी उतनी दूसरी चीज में। तो जो पहली लिमिट होती है प्रोपोर्शनल होती है, जितना स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा होता है उतना ही उसमें चेंज आ रहा होता है। एंड सेकंड पॉइंट जो आपको ग्राफ पे बताया, इट्स कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन विच द बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। इलास्टिक लिमिट वो होती है, एक ऐसी लिमिट होती है कि जहां तक अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तब तक तो वो अगर छोड़ेंगे स्ट्रेस को जो है वो हटाएंगे, रिमूव करेंगे, वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद वाला जो पॉइंट होता है ना, अगर इससे थोड़ी सी भी फोर्स ज्यादा लगा दी, थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा लगा दिया, तो फिर बॉडी ओरिजिनल हालत में वापिस नहीं आ सकेगी, तो उस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, आगे है जी आपके पास, चले स्टूडेंट जो है ना वो टाइम मुकम्मल हो गया है, इनशाला हम जो है ना वो नेक्स्ट कल देखेंगे, तो बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज वाले टॉपिक की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होनी है, हमने कोशिश की है कि जितना इजी वे में हो सके आपको समझा दिया जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस टॉपिक को लाजमी रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह हम जो है ना वो मंडे को दोबारा से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। वापस नहीं सर।